क्या हाल चाल दोस्तों, ये है सैमसंग के दो नए फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन्स, ये है फोल्ड 5 और ये है फ्लिप 5। सैमसंग सस्ते से महंगे सारे स्मार्टफोन निकालता, बट जितनी खुराफात है, जितना माल मसाला, एक्सपेरिमेंटल, थोड़े अलग अलग चीजें बनानी, वो सारा इनमें ट्राई करा जाता है और हमको भी इसी में मजा आता है। देखते हैं पहले से क्या चेंजेस करें और कोई अपग्रेड हुआ भी है कि नहीं। तो हम इसको टेस्ट करने आ गए हैं साउथ कोरिया। फ्लिप और फोल्ड जब पहले आया था ना, सबसे बड़ी दिक्कत ही होती थी, एक नॉर्मल स्मार्टफोन से शिफ्ट करने में थोड़ा चैलेंज आता, बैटरी थोड़ी कम रह जाती थी, स्क्रीन की क्वालिटी थोड़ी कम होती थी क्योंकि फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, फिर उसका परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती थी नॉर्मल स्मार्टफोन से। अब दोस्तों बराबरी का टाइम आ गया, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बड़े भाई से। पीछे की साइड पर पूरा सा फ्लैट कर दिया, पहले हल्के से कर्व्स थोड़े ज्यादा होते थे, इसमें जो पूरा कर्व है वो बैक साइड पे रहेगा, साइड्स में फ्रंट में जो यहाँ पे एज है यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा आपको फील होता है, तो अगर आप हाथ में पकड़ो थोड़ा सा करारी करारी फील आ रहा है, और ये सेम करारापन फ्लिप में भी है। फ्लिप का एक सेकंड में दिखाता हूं। फोल्ड में सबसे पहली चीज जो आप करोगे वो है इसका हिंज, इसमें एकदम ही एक गैपलेस हिंज कर दिया। पिछली बार अगर आप देखोगे तो भाई आर पार देख सकते हो, एक गैप सैमसंग ने नया इन्वेंट करा भाई एकदम ही गैप करने के लिए। ऑफ कोर्स फ्रंट वाली स्क्रीन काफी बड़ी है, बेजल्स हैं साइड वाइड पे, अंदर भी आप खोलोगे काफी बड़ा सा डिस्प्ले। मेरे को लगा था कि भाई यहां पे थोड़ा सा क्रीज भी फील होगी, बट ऐसी कोई खास दिक्कत हुई नहीं। डिस्प्ले में ज्यादा चेंज नहीं है, आप डिस्प्ले को कैसे यूज कर सकते हो उसमें काफी सारे चेंज करे गए। एक बहुत बेसिक सी चीज बताता हूं, जैसे नॉर्मल फोन्स में क्या होता है, आप ऐसे प्रेस एंड अगर मैं होल्ड करूंगा तो एक बार मैंने इसको पकड़ लिया तो मैं दूसरी जगह स्क्रीन नहीं ला सकता, बट इसमें मैं भाई एक हाथ से पकड़ भी सकता हूँ, दूसरे हाथ से मैं स्क्रीन भी ला सकता हूँ। तो भाई ये डुअल फंक्शन की जैसे मल्टीटास्किंग में मेरे को दोनों ऐप साथ में चलानी है, या फिर दोस्त के साथ एक तरफ मैं एक ऐप चला रहा हूँ, दूसरी तरफ मेरा दोस्त ऐप चला रहा है, बहुत बेसिक चीजें हैं, बड़ी सारी चीजें आप कर सकते हो। भाई इसमें समझ लो मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा, मैं पूरा फोन यूज करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कहाँ लेके जाना, यहाँ पे मैं ये ड्रैग ड्रॉप, ये थोड़ा डमरू बजा, और ये देखो दोनों फोटो आ गई। यहाँ से मैंने अपनी फोटो भी कॉपी पेस्ट कर दी और फोटो हमने खींची थी, अच्छी आ रही थी भाई। क्वालिटी वाली भाई सैमसंग की फ्लैगशिप लेवल की है, और ज्यादा मेरे को फोटोज में इतना कुछ खास फर्क नहीं लगा, जो पुरानी वाली थी उससे काफी सिमिलर है। और छोटी छोटी चीजें जैसे एस पेन को स्लिम कर दिया, वो भी वाटर रेजिस्टेंट बना दिया है। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं तो ऐसा आप अगर आप पेपर पे देखोगे ज्यादा आपको चेंजेस लगेंगे नहीं, बट जैसे पुराने वाले पकड़ता था ना तो मेरे को थोड़ा सा बल्की सा फील आता था, अब मेरे को ये नॉर्मल फोन वाली ही फील देता है, और अगर मैं खोल लेता हूँ तो एकदम ही ऐसे टैबलेट वाली फील देने लगता है, और हाथ में पकड़ने में चलाने में डेफिनेटली एक्सपीरियंस काफी हद तक स्मूथ सा रहता है। और बाकी जो बेसिक चीजें ऐसी हैं जैसे गोरिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, हिंज में काफी सारी चीजें जैसे शॉक एब्जॉर्बर है, गिरा दोगे टूटेगा नहीं, आईपी रेटिंग दे रखी है, आर्मर एल्यूमिनियम वाला फ्रेम है तो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए। कैमरा में भी अगर आप बैक साइड में नोटिस करो तो भाई कैमरे का लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट सा फील होता है, फ्लिप से काफी सारी चीजें बदल दी है, की वजह से हल्का सा काया पलट सी हुई है। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसका डिस्प्ले, इसके अंदर एक 3.5 इंचेस का डिस्प्ले ऐड करा गया, पहले बहुत छोटा सा डिस्प्ले होता था बट अब पूरी बैक साइड ही ऑलमोस्ट डिस्प्ले, यहाँ पे पूरा खाली खाली होता था, ऐसा नहीं है कि पूरा एक बेजललेस एक्सपीरियंस है, मोटी मोटी बेजल्स है, नीचे की साइड पे पंच होल भी नहीं है। दूसरी चीज जो आप देख के शायद नोटिस ना करो वो आप तभी नोटिस करोगे जब हाथ में पकड़ो, जैसे पुराना वाला हाथ में पकड़ते हल्का सा कर्व फील होता था, इस बार साइड से भी बैक साइड भी पूरा एक फ्लैट टाइप डिजाइन है, और जब हाथ में पकड़ दो थोड़ा सा लगता है कि हल्का सा एजेस हैं, थोड़ा सा करारापन डेफिनेटली फील होता है। और एक बहुत ही बड़ा चेंज कि भाई अब जब फ्लिप बंद होता है तो इसमें बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। पिछली बार वाला अगर आप देखोगे तो मेरी आप उंगली आर पार देख सकते हो, जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ ना, उसमें थोड़ी दिक्कत क्या होती थी, मिट्टी उट्टी घुस जाती सारी चीजें, बट ये सैमसंग का पहला फ्लिप स्मार्टफोन है जिसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। और भी काफी सारे फ्लिप फोन देखे हैं बट एकदम ही गैपलेस एक फोन बनाना काफी बड़ी बात है, और इसकी वजह से अगर आप साइज में भी नोटिस करो काफी पतला हो गया, बीच का गैप हट गया है। और एक चीज और मैंने जो नोटिस करी भाई मैग्नेट, और ये सेम चीज फोल्ड में भी करी है, पूरा ही ऐसे पैरेलल और फ्लैट से चलता है, पुराने वाले में एक अच्छा खासा गैप हुआ करता था। पेपर बता गया फोल्ड तो करीब आओगे, फोन तो हो जाएगा, फोन स्टैंड की जगह पेपर लगा सकते हो। वैसे स्क्रीन बड़ा करने से काफी सारी चीजें खुल जाती हैं, पहले इतने छोटे से डिस्प्ले में आप बेसिक बस नोटिफिकेशन देख पाते थे, कैमरे में फोटो भी अच्छे से नहीं देख पाते थे, और आप ज्यादा चीजें कर नहीं पाते थे, बट अब क्योंकि डिस्प्ले बड़ा कर दिया गया तो ऑफकोर्स भाई बड़े डिस्प्ले के साथ काफी सारी चीजें कर सकते हो। ऑफकोर्स जो विजेट्स हैं वो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, काफी सारे एनिमेशन है, कूल कूल कैलेंडर है, आप वेदर देख सकते हो, कॉल्स आप डायरेक्टली कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स, अलार्म, स्टॉपवॉच, टाइमर सेट करना है, वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, फिटनेस भी आपको ट्रैक करनी है, सारी चीजें कर सकते हो। आप मैप चला सकते हो, नेटफ्लिक्स चला सकते हो, भाई यूट्यूब की एक्चुअल पूरी ऐप चलती है, मैं इसमें ये देखो हमने अपनी चला ली, वैसे ही लग रही है, जूम करके भी देख सकते हो भाई। एक चीज और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि ऐसे नहीं कि वो स्क्रीन बड़ी करी है, सॉफ्टवेयर के साथ भी काफी सारी चीजें ऐड करी है, नीचे के साइड पे ना नेविगेशन भी आपको मिल जाता है, और ये स्पेस की यूटिलाइजेशन भी अच्छे से करके ओवरऑल सैमसंग के पुराने वाले स्मार्टफोन से एक बड़ा अपग्रेड है। बाकी सारी जितनी चीजें जैसे साल बाय साल अपग्रेड होती आती है, परफॉर्मेंस में आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 देखने के लिए मिल जाता है, स्क्रीन भी बैक साइड फ्रंट साइड दोनों ही 120 हर्ट्ज है, बट ये जो एप्स हैं ये लिमिटेड एप्स ही हैं जो भाई ये बैक साइड वाली स्क्रीन पे चल पाती है, और ये सैमसंग अप्रूव्ड जो एप्स हैं बस वही अभी बाहर वाली स्क्रीन पे चल जाती है, पबजी या फिर ऐसा
कोई और दूसरी चीज चलानी तो वो नहीं चल पाती। सैमसंग की एक दो ऐप है वो चल पाती। चार्जिंग और बैटरी दोनों ही सेम है पुराने वाले से। बैटरी अगर इम्प्रूव जाती तो डेफिनेटली काफी बेटर रहता, क्योंकि इसकी फ्लिप में तो भाई जरूरत पड़ती है। और इस बार भाई डिस्प्ले बड़ा कर दिया, तो आप ये समझ लो बैटरी पहले से कम चलेगी, क्योंकि पहले का लिए छोटा डिस्प्ले होता था। और वो अभी भी एक ऐसी चीज है कि मतलब फ्लिप और नॉर्मल फोन में आपको अच्छा खासा फर्क पता चल जाता है। और क्योंकि फ्लिप में अंदर ही साइड डिस्प्ले भी थोड़ा बड़ा होता तो वो भी एक चैलेंज रहता। उसके साथ साथ एक वेपर कूलिंग चेम्बर भी ऐड करा हुआ है फोन को ठंडा रखने के लिए। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि दो डिस्प्ले फोन में लगा दोगे भाई डिस्प्ले भी अच्छा खासा गर्म हो जाता है, प्लस एक फ्लैगशिप प्रोसेसर 8 Gen 2, तो ऑफ कोर्स भाई इसको ठंडा रखने की भी जरूरत है। तो हमने वो भी ट्राई करा था भाई वेपर कूलिंग चेम्बर, हमने जितना टाइम भी इसको यूज करा कहीं पे भी कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है। स्क्रीन में हल्का जो बेंड है वो थोड़ा सा फील होता है, बट ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली बेटर हो रही है। सॉफ्टवेयर में भी काफी सारे फीचर्स नए नए ऐड कर रखे हैं, जैसे आप बाहर वाले पे विडजेट्स यूज कर सकते हो, एप्स जो बाहर चल जाते हैं वो है, और बाकी सारी जो सैमसंग UI में रहते हैं 100 मोड, डुअल मैसेंजर, मोशन जेस्चर्स आपको यूज करने, आप रूटीन सेटअप करने की बेसिकली यहाँ पे अगर आप घर पर पहुंचो तो आपका ऑटोमेटिकली वाईफाई ऑन हो जाए, घर वाले से स्पीकर से कनेक्ट हो जाए सारी चीजें, मल्टी विंडो नेविगेशन, और सॉफ्टवेयर में एक ऑटो रीस्टार्ट का ही मोड ऐड कर दिया गया। आपका फोन ऑटोमेटिक ऐप वैप बंद करके सारी चीजें थोड़ा क्रिस्प हो जाएंगी, अपना तेज चलने लगा, जैसे हमारा होता ना हम सो जाते हैं बढ़िया रहता, वैसे फोन में भी ये चीज ऐड कर दी। बाहर वाले पहले अगर आपको रिप्लाई करना तो आपको क्विक टेक्स्ट से मतलब ऐसे क्विक सिलेक्शन करना पड़ता, आप खुद टाइप नहीं कर सकते थे, अब बाहर वाले पे भी पूरा एक क्वालिटी कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। छोटी छोटी चीजें इधर उधर फीचर्स ऐड करें सॉफ्टवेयर में ध्यान रखा गया, वो मेरे को अच्छी चीज लगी। उसके साथ एक काफी इंटरेस्टिंग चीज जो सैमसंग के फ्लैगशिप वाले कैमरा वाले फीचर्स हैं वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। कैमरा के सेंसर अंतर में कुछ खास फर्क नहीं, मतलब हल्का सा अपर्चर कर पा रहा है, बट पुराने वाले से भाई सॉफ्टवेयर में अच्छा खासा फर्क है। और एक दो चीजें और छोटी छोटी चीजें जो सैमसंग के UI में आपको फील होंगी, जैसे अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा बटन है कवर स्क्रीन आप दबा दोगे तो बैक साइड में भी दिखेगा, फ्रंट साइड में भी दिखेगा, और बैक साइड में अगर मैं आपकी वीडियो ले रहा हूँ तो आपको दिखता रहेगा सारी चीजें, तो ये भी काफी सॉल्ड रहता है। थोड़े फोटो वोटो भी खींच के देखते हैं। वैसे भाई इन्होंने एक तो सेटअप भी काफी प्यारा सा करा रखा है, तो एक हमने वाइड में ले ली, एक हमने 1x में ले ली, एक सेल्फी भी हम ले लेते हैं। अब हम लेंगे बैक वाले से सेल्फी। ये देखो बैक साइड वाले से सेल्फी आप ले सकते हो, पहले वाली आप फोटो ले सकते थे पूरा डिस्प्ले नहीं आता था, पर अब ऐसे क्विक भी अगर आप देखोगे तो हार्ट या डिलीट कर सकते हो। मैं डिलीट कर दूंगा भाई, क्योंकि पूरा ऐसे वीडियो बनानी है आपको वीडियो भी बना सकते हो। ब्लॉगिंग के लिए काफी इंटरेस्टिंग कैमरा से छोटा सा अपग्रेड है, बट जो वीडियो फोटो है वो काफी सिमिलर लगी देखने में। फोल्ड में भी आप भाई अपनी सेल्फी वेल्फी खींच सकते हो। बैक सबसे पहले भाई हम फोटो अपनी फ्रंट वाली खींचेंगे, बैक साइड से खींच लेते हैं भाई। एक हमने 1x में खींच ली, 3x वाला भी एक सेंसर, 3x वाले से भाई घड़ी खींच लेते हैं, एंड एक वाइड में भाई। इसमें ना बैक साइड में ना देखो ये कवर स्क्रीन अगर आप दबाओगे तो आपको फ्रंट वाला भी लॉक हो जाएगा, तो इसमें भी अगर आपको बैक साइड वाली से सेल्फी ली तो इसमें भी आप ऐसे बैक साइड से सेल्फी ले। काफी सारे मोड्स हैं, जैसे ऑटो स्केलिंग है, फिर एक डायरेक्टर्स व्यू है जिसमें अलग अलग आप कैमरा मोड दिख जाते हैं, प्लस एक 360 ऑडियो, मतलब आपके अगर हेडफोन्स अगर आप लगा रखें, ईयरफोन्स लगा रखें तो ईयरफोन से भी ऑडियो लेगा, मोबाइल से भी ऑडियो लेगा, दोनों का कंबाइंड काफी इंटरेस्टिंग सा आ जाता है। एक ऑटो FPS मोड भी है, तो अगर आप वीडियोज बना रहे हो रात के टाइम पे तो ऑटोमेटिकली उसका FPS थोड़ा सा कम करके लाइट बढ़ा जाता है वीडियो की, और इसका काफी ज्यादा कूल आते हैं। बेसिकली सैमसंग के फ्लैगशिप में थे, बट अब हमारे भाई फ्लिप के अंदर भी आ गए, और फ्लिप के साथ सीनियर रहता है कि पूरा ही आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस काफी सस्ते में भी प्रोवाइड करता है। एक एक्सपेरिमेंटल फोन बट काफी एक मिक्स मसाला है कि आपको भाई एक्सपेरिमेंटल फीचर मिल जाते हैं, फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, और प्लस ये प्राइस में भी थोड़ा सस्ता रहता है। बट ऑफकोर्स अभी भी सेम सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि भाई बैटरी आपकी ना एक नॉर्मल फोन से डेफिनेटली काफी ज्यादा कम चलती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल किसी फोन को देखोगे तो उसका डिस्प्ले भी छोटा होता है, उसमें बैक साइड में भी डिस्प्ले नहीं होता, और उसकी बैटरी भी बड़ी होती है, इसमें तीनों चीजें साथ में काम करती है, तो बस वो एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है। आप अगर इस वाले स्मार्ट फोन का यूज करो दिन में 2 बार चार्ज तो करना पड़ेगा। जितने मेजर चेंजेस थे मैंने आपको सारे बताने की कोशिश करी, फोल्ड के, फ्लिप के, और ओवरऑल देखो मैं एक चीज बताता हूँ, आपको भी लग रहा होगा एकदम कुछ बड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि अगर आप एक्चुअली देखोगे जैसे हमको 10 MP 50 MP कैमरा करने ज्यादा पैसा नहीं लगता, ज्यादा रिसर्च नहीं लगती, डेवलपमेंट बहुत कम सी लगती, बट अगर आपको 200 से 220 MP भी जाना ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सिमिलरली भाई एक फोन को फोल्ड करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बट उसका हिंज का 1 mm जो फाइनल mm है उसको एकदम चिपका के बंद करने में बहुत ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट लगती है, बट उसमें रिजल्ट ना बहुत कम आता है। तो इसलिए कंपनीज भी लगाती हैं, मेहनत करती हैं, सारा पैसा ऐसा सारी रिसर्च सारी डेवलपमेंट करती हैं, बट उस सारी डेवलपमेंट के बाद बहुत छोटे छोटे चेंजेस दिख पाते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस की वजह से एक्चुअल जो स्मार्टफोन है वो इंप्रूव काफी ज्यादा हो रहे हैं। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी स्मार्टफोन में कि भाई एकदम काया पलट हो जाएगी तो वो अब होना बहुत मुश्किल है। आप समझ लो सारी चीजें फुल अल्ट्रा प्रो मैक्स पहुंच चुकी अब चीजें हल्की हल्की इंप्रूव होंगी। अभी हमारा फर्स्ट इंप्रेशन हमने थोड़ी बहुत टेस्टिंग करी, मेरे को आप बताना कि इसमें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए बैटरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एक सेकंड स्क्रीन। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई स्मार्टफोन को अलग दिखने के लिए बनाया गया, हल्का फुल्का शो ऑफ करने में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बट दैट इज लाइक